नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्यपुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 9। और पाठ संख्या 9 का शीर्षक है बच्चों MS सुब्बू लक्ष्मी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें दी हुई है चित्र पर आधारित गतिविधि, और ये गतिविधि आपको स्वयं करनी है। उपयुक्त प्रसिद्ध गायकों के चित्र पहचान कर उनके विषय में बताओ। तो यहाँ पर ये 3 गायकों के आपको चित्र दिए हुए हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं, किसे भारत रत्न मिला और इनके चर्चित गीत। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, ये हैं सुश्री लता मंगेशकर जी। और आगे आपको अब इन दोनों गायकों के नाम, चर्चित गीत, और ये बताना है कि किसे भारत रत्न मिला। तो चलिए हम पाठ में प्रवेश करते हैं बच्चों। ये पाठ है MS सुब्बू लक्ष्मी जी के बारे में। MS सुब्बू लक्ष्मी को कर्नाटक संगीत का पर्याय माना जाता है, मतलब कर्नाटक संगीत का दूसरा नाम माना जाता है। इन्होंने ना केवल पुरुषों के वर्चस्व वाले कर्नाटक संगीत में अपना स्थान बनाया, बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई। मतलब कर्नाटक में पहले जो संगीत था उस पर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व था, लेकिन सुब्बू लक्ष्मी जी ने अपनी पहचान बनाई ना सिर्फ कर्नाटक में बल्कि विश्व स्तर पर। आइए शुरू करते हैं। प्रिय मित्र शिवम, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं मदुरई घूमने गया था। मदुरई अपने प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दिन भर घूमने के कारण हम थक गए थे, इसीलिए जल्दी ही सो गए। प्रातः एक बहुत सुरीली आवाज़ से मेरी नींद टूटी। बहुत मधुर गीत था, मैं आंखें बंद कर तन्मय होकर उसे सुनता रहा। ऐसी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पता चला कि यह मधुर ध्वनि MS सुब्बू लक्ष्मी के कंठ से निकली थी। कर्नाटक संगीत की महान गायिका MS सुब्बू लक्ष्मी। और अब हम आगे उन्हीं के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। मेरे मन में MS सुब्बू लक्ष्मी के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तुम्हारे मन में भी ऐसी जिज्ञासा अवश्य उठी होगी। आज मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ। अपनी सुरीली तथा मधुर आवाज़ से दुनिया को चमत्कृत करने वाली MS सुब्बू लक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम मदुरई षणमुख वडिवु सुब्बू लक्ष्मी था, परंतु शास्त्रीय संगीत की दुनिया में इनको MS के नाम से ही अधिक जाना जाता है। M इनके गृह नगर मदुरई तथा S इनकी माता के नाम षणमुख वडिवु को दर्शाता था, जिनका इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। MS सुब्बू लक्ष्मी की माँ षणमुख वडिवु एक प्रसिद्ध वीणा वादिका थी। दादी अक्कामल एक प्रसिद्ध वायलिन वादिका थी। संगीत के प्रति इनकी रुचि इसी संगीतमय वातावरण में उत्पन्न हुई। तो बच्चों आप ध्यान दें कि MS सुब्बू लक्ष्मी की जो माँ थी वो थी वीणा वादिका, और जो उनकी दादी थी अक्कामल वो थी एक वायलिन वादिका। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपनी माँ से प्राप्त की। इनकी माँ ही इनकी प्रथम गुरु थी। MS सुब्बू लक्ष्मी को विश्व स्तर पर भक्ति संगीत के लिए जाना जाता है। इनकी उम्र उस समय मात्र 10 वर्ष थी जब इनका पहला भक्ति संगीत का एल्बम आया। कर्नाटक संगीत का पर्याय माने जाने वाली सुब्बू लक्ष्मी ने इस संगीत की विधिवत शिक्षा सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर से तथा हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा पंडित नारायण राव व्यास से प्राप्त की थी।
इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। क्या थी इनकी मातृभाषा? कन्नड़। लेकिन इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बंगला, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं में भी मधुर गीत गाए हैं। इन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण प्रस्तुति मद्रास की म्यूजिक अकेडमी में दी थी। उस समय इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। यह प्रस्तुति इनके संगीत जीवन के लिए एक बड़ा कदम थी। म्यूजिक अकादमी मद्रास से 1968 में इन्होंने कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कला निधि प्राप्त किया। गायन के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। इनके फिल्मी जीवन का आरंभ 1938 में फिल्म सेवा सदन से हुआ था, जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित थी। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्म सावित्री में इन्होंने नारद मुनि का किरदार निभाया था। 1945 में बनी फिल्म मीरा से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह फिल्म तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई गई थी। इस फिल्म में इन्होंने मीरा की भूमिका निभाई थी। फिल्म के भजन भी सुब्बू लक्ष्मी के गाए हुए हैं। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद इन्हें लगा कि ये अभिनय से ज़्यादा गायन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकती हैं। इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया तथा गायन पे अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। अगर कभी दक्षिण भारत की यात्रा पर जाओ तो ध्यान देना, तुम्हें प्रातःकाल की बेला में सुब्बू लक्ष्मी द्वारा गाए सुप्रभातम तथा भज गोविंदम गीत अवश्य सुनाई देंगे। इन्होंने कोराइओन रूम इल्लई, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा आदि की भी प्रस्तुतियां दी हैं। इनकी सभी प्रस्तुतियां बहुत ही सराही गई हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता, कलाकार तथा विभिन्न क्षेत्रों की महान विभूतियां इनके प्रशंसकों में रही हैं। आम जन के साथ साथ प्रसिद्ध संगीतकारों ने भी इनकी कला की प्रशंसा के पुल बांध दिए हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां इन्हें सुरस्वरा लक्ष्मी सुब्बू लक्ष्मी कहते थे और लता मंगेशकर ने इन्हें तपस्विनी तथा सरोजनी नायडू ने भारत की स्वर कोकिला कहकर संबोधित किया है। किशोरी अमोनकर ने आठवां सुर कहकर इनकी प्रशंसा की है। संगीत के प्रति इनके समर्पण भाव के कारण ही 1954 में इन्हें पद्म भूषण तथा 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MS सुब्बू लक्ष्मी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें 1966 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इन्होंने अपने संगीत से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने इनकी कला को सम्मान देने के लिए इनकी जन्म शती के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया था, जिसमें सुब्बू लक्ष्मी के चित्र के साथ संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह भी है। भारत ने भी इनके सम्मान में इनकी जन्म शती पर स्मारक सिक्के जारी किए थे। 1974 में इन्हें रेमान मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार को प्राय एशिया का नोबल पुरस्कार कहते हैं। 1975 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण तथा 1988 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया। 1990 में इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिला। शायद तुम्हें ज्ञात होगा कि सुब्बू लक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में 1988 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है।
एमएस सुबुलक्ष्मी अधिकतर नीले रंग की विधिवत रंगत लिए सिल्क की भव्य साड़ियाँ ही पहनती थी। इस विशिष्ट नीले रंग को बाद में एमएस ब्लू नाम दिया गया। एमएस सुबुलक्ष्मी में सीखने की ललक सदा बनी रही। इनका मानना था कि विनम्रता तथा जीवन के किसी भी चरण में सीखने की इच्छा एक कलाकार को पेशेवर रूप से सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में इस महान विभूति का निधन हो गया। आज सुबुलक्ष्मी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अमर संगीत आज भी हमें रोमांचित करता है। प्रिय मित्र, अगर तुम्हारे पास भी कोई रोचक जानकारी हो तो मुझे बताना मत भूलना। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र भविष्य। तो बच्चों, हमने जाना एमएस सुबुलक्ष्मी जी के बारे में। कितनी महान गायिका थी, कितने सारे पुरस्कारों से सुशोभित हुई। उन्होंने अपने गायन के जरिए हमें कितना ज़्यादा आनंदित किया। तो चलिए आगे इस पाठ में क्या क्या अभ्यास क्रियाएं हैं वो देखते हैं। कठिन शब्द हैं बच्चों सबसे पहले जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। प्रिय, छुट्टियों, मदुरई, प्रसिद्ध, तन्मय, मंत्रमुग्ध, ध्वनि, जिज्ञासा, चमत्कृत। शास्त्रीय, प्रभाव, रुचि, वायलन वादिका, पर्याय, मातृभाषा, प्रस्तुति, सर्वोत्तम, राष्ट्रीय स्तर, उपन्यास, अभिनय, प्रशंसा, समर्पण, श्रोता, जन्मशती, स्मारक, पुरस्कार, चरण, निधन, रोमांचित। आगे चलते हैं। यहाँ बच्चों हमें सबसे पहले दिए हुए हैं शब्द अर्थ। आप इन्हें याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी उतारेंगे। तन्मय का अर्थ है एकाग्र, बेहतर, अधिक अच्छा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। प्रस्तुतियां देना, प्रस्तुत करना। पर्याय, समानार्थक। स्मारक सिक्के, स्मृति में जारी सिक्के। किरदार, भूमिका। निधन, मृत्यु। अब हम करते हैं बात अभ्यास की, बात पाठ की, और ये है यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न। एमएस सुबुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? एमएस सुबुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था। एमएस सुबुलक्ष्मी का पूरा नाम क्या था? एमएस सुबुलक्ष्मी का पूरा नाम था मदुरै षण्मुख वडिवु सुबुलक्ष्मी। एमएस सुबुलक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत किससे सीखा? बच्चों, जब आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं भी मिल जाएंगे। और आपको एक बार पढ़ना है और इनके उत्तरों को स्वयं से ढूंढने का प्रयास भी आप करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ, एमएस सुबुलक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत किससे सीखा? एमएस सुबुलक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत सेमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर से सीखा। एमएस सुबुलक्ष्मी ने हिंदुस्तानी संगीत किससे सीखा? एमएस सुबुलक्ष्मी ने हिंदुस्तानी संगीत पंडित नारायण राव व्यास से सीखा। चलिए आगे चलें। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। एमएस सुबुलक्ष्मी को किस संगीत का पर्याय माना जाता है? कर्नाटक, हिंदुस्तानी, कर्नाटक और हिंदुस्तानी दोनों, या महाराष्ट्र? कर्नाटक। ठीक है बच्चों, एमएस सुबुलक्ष्मी की मातृभाषा कौन सी थी? कन्नड़। मदुरै क्यों प्रसिद्ध है? मंदिरों के लिए। यहाँ पर हमें गद्यांश दिए हुए हैं, जिन्हें गद्यांश दिया हुआ है जिसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए, गायन के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। अब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ताकि अगले पेज पर जब इसके प्रश्न आएंगे तो आप उसके उत्तर दे सकें।
गायन के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। इनके फिल्मी जीवन का आरंभ 1938 में फिल्म सेवा सदन से हुआ था, जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित थी। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्म सावित्री में इन्होंने नारद मुनि का किरदार निभाया था। 1945 में बनी फिल्म मीरा से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह फिल्म तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई गई थी। इस फिल्म में इन्होंने मीरा की भूमिका निभाई थी। फिल्म के भजन भी सुब्बू लक्ष्मी के गाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। MS सुब्बू लक्ष्मी के फिल्मी जीवन का आरंभ किस फिल्म से हुआ था? चलिए बताएंगे किस फिल्म से हुआ था बच्चों, सेवा सदन, जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित थी। MS सुब्बू लक्ष्मी को किस फिल्म से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी? मीरा। मीरा फिल्म के भजन किसके द्वारा गाए गए हैं? MS सुब्बू लक्ष्मी के द्वारा गाए गए हैं। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। MS सुब्बू लक्ष्मी कर्नाटक संगीत की महान गायिका थी, बताइए थी या नहीं? बिल्कुल थी, तो ये सही है। MS सुब्बू लक्ष्मी की माँ वायलिन वादिका थी? नहीं, वो वीणा वादिका थी। MS सुब्बू लक्ष्मी की दादी वीणा वादिका थी? नहीं, दादी क्या थी? वायलिन वादिका। MS सुब्बू लक्ष्मी को विश्व स्तर पर भक्ति संगीत के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सुब्बू लक्ष्मी द्वारा फिल्मों में अभिनय बंद करने का क्या कारण था? सुब्बू लक्ष्मी ने फिल्मों में अभिनय इसीलिए बंद किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो गायन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। सुब्बू लक्ष्मी द्वारा दी गई कौन कौन सी प्रस्तुतियां प्रसिद्ध हैं? कोराई ओन रूम एल्लई, विष्णु सहस्रनाम, हनुमान चालीसा आदि, ये सभी प्रस्तुतियां बहुत प्रसिद्ध हैं। लता मंगेशकर और सरोजनी नायडू ने सुब्बू लक्ष्मी की कला की प्रशंसा किन शब्दों में की है? लता मंगेशकर जी ने उन्हें क्या कहा था? तपस्विनी। और सरोजनी नायडू जी ने उन्हें स्वर कोकिला के नाम से सुशोभित किया था और इसी तरह उनकी कला की प्रशंसा की थी। संयुक्त राष्ट्र ने सुब्बू लक्ष्मी की कला को सम्मान देने के लिए क्या किया? संयुक्त राष्ट्र ने सुब्बू लक्ष्मी की कला को सम्मान देने के लिए उनकी जन्म शती के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया था। MS सुब्बू लक्ष्मी के अनुसार एक कलाकार को पेशेवर रूप से सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? MS सुब्बू लक्ष्मी का मानना था कि विनम्रता तथा जीवन के किसी भी चरण में सीखने की इच्छा ही एक कलाकार को पेशेवर रूप से सफल बना सकती है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अब MS सुब्बू लक्ष्मी जी के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और अब आप इस पाठ का दोबारा स्वयं से पाठन करेंगे ताकि आपको और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी अच्छे से हो जाए। आभार, मिलते हैं अगले पाठ के साथ।